हेलो एवरीवन, दिस इज गगन यादव। सो आज डेट है 5th ऑफ दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी 6:47। तो कल के एनालिसिस यानी 6 दिसंबर की क्या होगी, तो वो इसके बारे में बात करते हैं। और जैसे आज के लेवल कैसे काम किए थे, जैसे कि मैंने अपडेट उसमें टेलीग्राम पर कर दिया था। सो जो कि डॉट टू डॉट लेवल काम किए, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर जा करके टेलीग्राम पर देखोगे, यानी गगन यादव ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं यानी कल के लेवल कैसे का काम करेंगे। जैसे मैं कल की बात की जाए तो मेरे आज के लेवल कैसे काम किए, जैसे जस्ट ऊपर से मार्केट ओपन गैप अप खुलती है और जैसे ही नीचे आती है मेरा इस जगह लेवल था एक, जैसे आप टेलीग्राम पर चेक कर लेना यहाँ पर ये। और जैसे इस कैंडल ने ये क्लोजिंग दी, जैसे इस कैंडल ने इसने क्लोजिंग दी थी, इस वाली ने क्लोजिंग दी, तो जैसे ही इसको ब्रेक हाई ब्रेक किया तो मेरा यहाँ से क्रेट बन चुका था और इसको मैंने राइट किया यहाँ तक। ठीक, तो ये एक मतलब बाइंग वाला ये हो गया सेगमेंट। ठीक, ऐसे ये पैनिक सेलिंग जैसे आ जाएगी ये, तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कल के लिए जैसे हम दो केस डिस्कस करेंगे केवल, दो, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए। अब कौन कौन सा होगा तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आज का तो ये सीधा था और बाकी का यहाँ पर तो ये पूरा साइडवेज यहाँ चला गया था। एक थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह एक मोमेंटम आ जाता नहीं थोड़ा स्पीड से। ठीक है, तो कल का कैसे क्या रहेगा तो चलिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कल के कौन कौन से केस बन सकते हैं, देखिए कल के लिए दो केस तो बन सकते हैं, एक बाइंग के लिए हो सकता है, एक सेलिंग के लिए हो सकता है। जैसे कि अभी 20,856 यानी 855 की क्लोजिंग आई है यहाँ से, यानी 855 की क्लोजिंग आई है। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट जैसे ही अगर फ्लैट ओपन होती है, हम पैरा केस लेकर चल रहे हैं, जैसे मार्केट वाई दबी अगर फ्लैट ओपन होती है और ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डब्लू पैटर्न फॉर्मेट बनेगा ये। तो हम उस पर ही जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ से ट्रेड एक बाइंग साइड के लिए बन सकता है, इंट्राडे हाई ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसके साथ हमारे एक लेवल्स भी होंगे, वो भी मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से लेवल होंगे, वहाँ से ये डब्लू पैटर्न कहाँ से बनेगा वो अभी हम देखेंगे। लेवल में अभी ड्रॉ कर दूंगा, वो फिबोनाची से मैं ड्रॉ करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ उसकी मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, तब आप देख लेना। ठीक है, और अगर एक सेलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो ये बाइंग के लिए फर्स्ट केस हो गया ये, अब मैं सेलिंग के लिए दूसरा केस बता रहा हूँ। सेलिंग के लिए क्या हो सकता है, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर यानी गैप अप खुली और कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो ऊपर से कहीं से भी रेजिस्टेंस करेगी तो उसको दोबारा से टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहीं से कहीं एक लोअर लो का एक फॉर्मेट बनेगा और वहीं से एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि आज ये देखने को मिली है। तो जैसे ये आज प्रॉफिट बुकिंग आई है तो हो सकता है कल भी एक प्रॉफिट एग्रेसिव सेलिंग ऐसे ही देखने को मिले। तो हम दूसरा केस तो ये लेके चल रहे हैं कि यानी दूसरा वाला केस तो ये हमारा सेम रहेगा कि ये एक सेलिंग के लिए नीचे आ सकती है। ठीक है, और फर्स्ट वाला क्या है, डब्ल्यू पैटर्न पे। अब ये कैसे बन सकते हैं तो मैं उसके लिए लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि डॉट टू डॉट काम करते हैं। आप टेलीग्राम पर किसी भी दिन का एक चेक कर लीजिए जा करके, एकदम डॉट टू डॉट काम करता है। देखिए ये सारे दिन मैंने प्रीवियस डाले, ये अभी मैंने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं इसे। तो ये सारे लेवल काम करते हैं, आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, एक एक डॉट टू डॉट लेवल काम करेगा। अभी इंटरनेट सही नहीं चल रहा है तो शायद हो सकता है ब्लर दिखा रहा हो आपको, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एक एक डॉट से डॉट काम करते हैं, मतलब सारे के सारे लेवल पड़े हैं, देख लीजिएगा। तो मतलब ज्वाइन करिएगा आप टेलीग्राम को, इसमें मैं अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, जैसे कि कल इलेक्शन वाला दिन था मंडे को, तो बड़ा गैप अप हुआ था फिर मैंने लेवल चेंज करे थी, जैसे कि ये बात है, ये वाला था, जहाँ से ही इंट्राडे का सपोर्ट बना करके और कंटिन्यू ऊपर चला गया था, कल की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन वाले दिन, तो कंटिन्यू इस जगह ये सपोर्ट बनाया था। बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो मैं उसे भी अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पर, तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कल के लेवल हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए हम निफ्टी फिफ्टी के अब लेवल्स देख ले रहे हैं, यानी ये वर्क कैसे करेंगे कल के लिए, यानी एक एक डॉट टू डॉट लेवल काम करेगा। यानी यहाँ से मार्केट आएगी, मैं आपको मार्कर से दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे फ्लैट खुली तो कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाए, अगर यहाँ से नहीं बना पाए तो इस जगह से बना सकती है, अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, ये लेवल डॉट टू डॉट काम करेंगे। आप मेरी नहीं मानो तो कल आप ये पहले अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा और कल मार्केट में देख लेना लाइव। ठीक है, अगर मैंने एक तो ये बाइंग साइड के लिए मैंने केस बताया था, दूसरा केस था सेलिंग साइड के लिए, जैसे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, अगर इसे भी ब्रेक कर दे तो यहाँ रेजिस्टेंस ले सकती है, यहीं से कहीं से अगर सेलिंग आए तो आपको यहीं से कहीं शॉर्ट कर देना है। और सेलिंग कल जैसे आज ये एग्रेसिव सेलिंग आई है तो हो सकता है कल भी एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती जा रही है तो स्ट्रेच हो गई है बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी की और बता देता हूँ उसके साथ लेवल कौन कौन से काम कर सकते हैं। देखिए
ये बैंक निफ्टी के हैं, यही सेम बैंक निफ्टी में है। अगर ये कंटिन्यू नीचे आने लगी हो, यहीं से कहीं डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे आपको, तो आप बाय कर सकते हो और ये इंट्राडे हाई तक जा सकते हो, जो भी मतलब जो कल का इंट्राडे हाई होगा वहां तक जा सकते हो। अब वो कहीं से भी देख, आप लेवल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे मार्केट नीचे इस लेवल के निकल आए तो हो सकता है इस लेवल पर कहीं सपोर्ट ले आ सकते हो, हो सकता है यहाँ पर। तो मेरा व्यू तो सेलिंग साइड थोड़ा ने एग्रेसिव होगा, वैसे ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, बट ट्रेड कल का देखा जाए तो वो ने थोड़ा सेलिंग साइड हो सकता है, वहां क्या है ना थोड़ा पैनिक सेलिंग आएगी, जैसे ये एग्रेसिव सेलिंग आई है, तो हो सकता है कल बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग साइड देखने को मिले। तो अपने दो भी हुए ठीक है, एक तो अगर नीचे कंटिन्यू आता है तो हम बाई करेंगे, अगर ऊपर जाए कहीं रेजिस्टेंस लेगा तो हम वहीं से शॉर्ट कर देंगे ठीक है। तो दो केस हैं ओनली, तो आप लेवल्स अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय टू ऑल एंड सी यू।